स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से एक बार फिर आपका स्वागत है। अब आपको दिखाते हैं हरियाणा में गैंगरेप की हॉरर स्टोरी। 20 साल की छात्रा, जब इन 5 बदमाशों ने उसके साथ पहली बार रेप किया था वो जेल गए थे, लेकिन फिर बेल पर रिहा हुए और उसी 20 साल की छात्रा के साथ दोबारा गैंगरेप किया। ये 5 आरोपी अभी फरार है। एक छात्रा के साथ 3 साल में 2 बार गैंगरेप। कॉलेज के बाहर से छात्रा को किडनैप करके ले गए। पांच हैवानों ने 2 बार हैवानियत की हद पार कर दी। दरिंदों ने केस दबाने के लिए दिया 50 लाख का ऑफर। हरियाणा की सबसे खौफनाक स्टोरी। मैं कॉलेज से निकल रही थी, थोड़ा आगे वही 5 लड़के थे गाड़ी में, जिनमें दो बार थे, 3 अंदर बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे मैं देख के डर गई। उन्होंने मुझे गाड़ी में डाल लिया, फिर मेरी गर्दन दबा दी, कान ले गई। पीड़ित लड़की अपने साथ हुए 2-2 गैंगरेप की कहानी खुद सुना रही है। हाँ, क्या हुआ? इस आवाज में जो दर्द है वो कलेजे को चीर डालता है। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी 20 साल की ये छात्रा बता रही है कि कैसे 5 हैवानों ने उसकी जिंदगी नरक बना दी। हरियाणा के रोहतक में इस छात्रा के इंसाफ के लिए आक्रोश फूट पड़ा है। उन दरिंदों की गिरफ्तारी की मांग हो रही है जिन्होंने इस लड़की के साथ 3 साल में 2 बार गैंगरेप किया। छात्रा दलित है और उसके इंसाफ के लिए दलित संगठन गरज रहे हैं। आज तक सभी दोषी खुलेआम घूम रहे हैं, किसी की भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो हमारी ये पुरजोर डिमांड है कि जितने भी दोषी है इस कांड के, उन्हें तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। जिस छात्रा के साथ ये घटना घटी है, उन छात्रों को पूरा न्याय मिलेगा। हमारी सरकार का बिल्कुल संकल्प है, कोई भी कितना बड़ा दोषी हो, कितनी बड़ी उसकी पहुँच हो, वो ग्रिप से बाहर जा नहीं सकता। ये एक लड़की ने जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, वहाँ से हमारे पास सूचना आई थी कि एक लड़की हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में एडमिट हुई है और उसके साथ रेप हुआ है, जिसके आधार पे हमने लड़की की स्टेटमेंट ली। तो लड़की ने बताया कि वो आईसी कॉलेज की स्टूडेंट है और उसको यहाँ आईसी कॉलेज के बाहर से उठाया गया है गाड़ी में, और गाड़ी में ले जाके उसके साथ 5 व्यक्तियों द्वारा रेप किया गया है। पीड़ित लड़की भिवानी की रहने वाली है और रोहतक के कॉलेज से बीएससी मैथ ऑनर्स कर रही है। 20 साल की ये दलित छात्रा रोहतक में किराए पर रहती है। 13 जुलाई को जब वो कॉलेज से निकलती है तो 5 दरिंदे उसे अपनी गाड़ी में उठाकर ले जाते हैं और उसके साथ गैंग रेप करते हैं। बेहोशी की हालत में सुखपुरा चौक के पास झाड़ियों में फेंक कर उसे फरार हो जाते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि इन्हीं दरिंदों ने साल 2013 में भी इस छात्रा के साथ गैंगरेप किया था। इन 5 दरिंदों के खिलाफ पीड़ित लड़की और उसके परिवार ने भिवानी में एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन 5 आरोपी जमानत पर जेल से बाहर आ गए। अब इन 5 हैवानों ने लड़की और उसके परिवार वालों पर केस रफा दफा करने का दबाव बनाया और 50 लाख रुपए का ऑफर भी दिया, लेकिन खुददार लड़की और उसके घर वालों ने इस समझौते से इनकार कर दिया। रेप करने के बाद वो जेल जाते हैं और फिर जेल से बाहर आकर उसी छात्रा के साथ दोबारा गैंगरेप करते हैं। हरियाणा की ये कहानी वाकई हिला देने वाली है। सुरेंद्र सिंह, रोहतक, आज तक। और अब आइए आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के निर्भया की कहानी। 15 साल की बच्ची, उसके साथ गैंगरेप हुआ और उसके बाद इन्हीं आरोपियों ने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। निर्भया
गैंगरेप और हत्या के खिलाफ आक्रोश की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अहमदनगर की हैं। दिल्ली की निर्भया जैसा कांड यहाँ भी हुआ है। 5 साल की मासूम के साथ न सिर्फ हैवानियत की हद पार कर दी गई, बल्कि उसे मौत के घाट भी उतार दिया। हर कोई 15 साल की मासूम के लिए इंसाफ मांग रहा है। गैंगरेप के विरोध में महाराष्ट्र के कई शहरों में बंद का ऐलान भी किया गया है। पंद्रह साल की मासूम को उसकी माँ अपने एक रिश्तेदार के घर मसाला लेने भेजती है, लेकिन बीच में ही उसे दरिंदे मिल जाते हैं। काफी देर तक जब बच्ची घर नहीं लौटती तो घर वाले उसकी तलाश शुरू करते हैं, जिसके बाद बच्ची गांव के पास ही एक नीम के पेड़ के नीचे बुरी हालत में मिलती है। मौके पर एक आरोपी भी खड़ा हुआ था, लेकिन गाँव वालों को आता देख वो भाग गया। बच्ची को अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन जब बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो बच्ची के साथ हैवानियत की असलियत सामने आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक न सिर्फ बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया, बल्कि उसके शरीर पर जगह जगह चोट पहुंचाई गई। मासूम के बाल भी नोच लिए गए। दरिंदों की हैवानियत यहीं खत्म नहीं हुई। बच्ची के प्राइवेट पार्ट को नुकसान पहुँचाया गया तो दोनों हाथ भी तोड़ दिए गए। सरकार भी इसके बारे में तीव्र दुख व्यक्त करती है और उसके वो लड़की जो बच्ची है जिसके साथ ये हुआ है उसको आज न्याय देने के लिए सरकार कटिबद्ध है। कई दिन बीतने के बाद जब कोई गिरफ्तारी नहीं हुई तो सड़कों पर न्याय के लिए जनता का आक्रोश फूट पड़ा। लेकिन गैंगरेप के खिलाफ लोगों का बेकाबू गुस्सा देख पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। मैं समझता हूँ कि ये इतनी बड़ी गंभीर घटना होने के बाद ही बावजूद भी मुख्यमंत्री ने जो अनास्था दिखाई है और असंवेदनशीलता दिखाई है, जाने का उन्होंने प्रयास भी नहीं किया है वह जाने के लिए। उन्होंने राज्य की जनता की माफी मांगनी चाहिए, यह हमारी मांग है। अहमदनगर की निर्भया कांड को लेकर मानसून सत्र के पहले ही दिन विधानसभा में भी हंगामा खड़ा हो गया और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में और उज्जवल निगम को केस सौंपने की जानकारी दी। अहमदनगर से पंकज खेलकर के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। और अब बात कुदरत के कहर की। दिल्ली दरिया बन गई है। जबरदस्त बारिश की वजह से पहाड़ों पर दिक्कत आ रही है। जी हाँ, किस तरह से सैलाब अलग अलग जगहों पर कर रहा है लोगों को परेशान, देखिए। अब की बार मानसून झूम कर आया तो लोगों के लिए परेशानी का अंबार भी साथ लाया। नदी नाले उफान मारने लगे, चट्टाने खिसक कर जमीन पर आ गिरी, सड़कें धस गईं, गाड़ियां उनमें फंस गईं और कहीं कहीं तो पूरी की पूरी सड़क पानी में ही समा गई। तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तराखंड के जिलों की, जहां लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हालांकि पारा गिरने से लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात जरूर मिली है, लेकिन बारिश के चलते घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं कि पिछले 2-3 दिनों की बारिश से दिल्ली का क्या हाल हुआ है। साउथ दिल्ली का ये अंडरपास फिलहाल अंडर वाटर है। अंडरपास में भाई जी इतना पानी है, अभी एक इंडिका डूबी पड़ी है अंदर, वो दिख नहीं रही है। अभी एक सुमो यहाँ पे आई थी, वो तैर के वापसी जहाँ जा रही थी वहाँ से कहीं और जा चुकी है। कमोबेश यही हाल पूरी दिल्ली का है। देखिए झमाझम बारिश से सड़कें दरिया बन गई हैं और ये देखिए कैसे बारिश से सड़क धंस गई और एक क्लस्टर बस इस गड्ढे में जा घुसी। सोमवार का दिन काम पर जाने वाले दिल्ली वालों पर कुछ ज्यादा ही भारी पड़ा। जैसा कि मौसम विभाग ने पहले फोरकास्ट किया था कि उत्तर भारत में एक्टिविटी शिफ्ट हो जाएगी, बिल्कुल उसी तरह से उत्तर भारत में मानसून सक्रिय बना हुआ है। जो 24 घंटे की एक्टिविटी है वो और 24 घंटे रहेगी। तस्वीरें उत्तराखंड की है, जहां मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं। नदियों का तेज बहता पानी लोगों को खौफ ज़दा कर रहा है। घर मंदिर पानी में डूबे हैं तो लैंडस्लाइड के चलते लोग जहां तहां फंसे हैं। हरिद्वार हो या फिर पिथौरागढ़, इंद्र देवता कुछ ज्यादा ही मेहरबान नजर आ रहे हैं। गौर से देखिए, मोटरसाइकिल सवार एक शख्स उफान मारते इस नदी को पार करने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन नदी के तेज बहाव में फंसकर चंद सेकंड में बह जाता है। तस्वीरें नैनीताल की हैं। जोशीमठ की ये तस्वीरें देखिए। केंद्रीय विद्यालय के पास की एक दीवार बारिश के चलते भरभराकर गिर पड़ी और नीचे खड़ी 5 मोटरसाइकिलें, 3 कारें उसमें दब गईं। वो तो गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। ऐसा अंदेशा था, लेकिन एक कल रात को ये अचानक ही भारी बारिश के कारण क्लैप्स हो। और ये देखिए, सड़क में कीचड़ है या कीचड़ में सड़क, बता पाना मुश्किल है। हरिद्वार की सड़कों पर लोगों का चलना दुश्वार है। पानी और कीचड़ जमा है तो वहीं लैंडस्लाइड ने भी जनजीवन ठप कर रखा है। पंकज जैन और चिराग गोठी के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में एक और ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार सलमान को शादी कबूल है।